Hello and welcome back to my channel. So in today's video we will continue reading the 4th, 5th and 6th sections of the book of Assembly Hall of the Mahabharata by Vyasa. So previously I have already uploaded the introductory video in which I have covered the characterization and the family chart of Kuru Vansh. And also I have uploaded the detailed summary and analysis of the first three sections of the book of Assembly Hall. So if you guys did not check the video yet, I am giving the links on the description box below. You can check from there. Okay, so let's get started. So today we will continue reading from the fourth section, okay, which is Jarasandha Vadha Parva. There are 5 chapters and 280 verses in this section. So ye section mein 5 चैप्टर्स है और 280 वर्सेस है. ओके, कृष्ण टोल्ड धर्मराजा, धर्मराजा मतलब युधिष्ठिरा, दैट जरासंध हैड बिकम वीक बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ दिम्भका एंड हमसा. कृष्ण धर्मराजा मतलब युधिष्ठिरा को कह रहे हैं कि जरासंध अभी वीक हो गया है, थोड़ा सा दुर्बल हो गया है क्योंकि दिम्भका और हमसा का डेथ हो गया. इसीलिए हैंस दिस वॉज द प्रॉपर टाइम टू किल हिम. सो यही प्रॉपर टाइम है उनको मारने का. अलॉन्ग विथ भीमा एंड अर्जुना कृष्ण वुड मीट हिम इन सॉलिट्यूड. कृष्ण क्या प्लान करते हैं कि भीमा और अर्जुना को साथ में लेकर कृष्ण उनके साथ, जरासंध के साथ अकेले मीट करेंगे. सॉलिट्यूड मतलब इन अलोन, तो अकेले उनके साथ मीट करेंगे. ही विल श्योरली ऑप्ट फॉर अ कॉम्बैट विथ भीमा एंड भीमा इज़ केपेबल टू डिफीट जरासंध ऑल अलोन. तो वो श्योरली, जरासंध श्योरली भीम के साथ एक फाइट करने के लिए, एक बैटल के लिए भीमा को इनवाइट करेंगे और भीम अकेला ही काफ़ी है जरासंध को मारने के लिए. कृष्णा आस्क्ड युधिष्ठिरा टू सेंड भीमा एंड अर्जुना अलोंग विथ हिम इफ ही हैड बिलीव ऑन हिम. कृष्णा युधिष्ठिरा को कहते हैं कि अगर कृष्ण के ऊपर युधिष्ठिर का विश्वास है तो उनके साथ भीमा और अर्जुना को जाने देने के लिए. युधिष्ठिरा एक्सेप्टेड, यहाँ पे दो बार एक्सेप्टेड हो गया. सो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक दो जगह पे टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है. युधिष्ठिरा एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड टू अकॉम्प्लिश द टास्क दे स्टार्टेड फॉर मगधा. सो युधिष्ठिरा क्या किया, कृष्ण जो उनको पूछा करने के लिए, वो एक्सेप्ट किया, कृष्ण का प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो अनुमति दिया और वो तीनों मगध के लिए निकल गया. द थ्री ऑफ देम अटायर देम सेल्व्स एज ब्राह्मीन्स. तो वो तीनों ने उन लोगों को खुद को ब्राह्मीन के वेश में अटायर किया, ठीक है. ब्राह्मीन के वेश, क्षत्रिय का वेश छोड़ के ब्राह्मीन का वेश धारण किया एंड एंटर द सिटी ऑफ मगधा. क्यों धारण किया ऐसा, क्योंकि उस टाइम में क्षत्रिय का सब जगह जाना मना था, लेकिन ब्राह्मीन को सब जगह एंटर करने का परमिशन थे, क्योंकि ब्राह्मीन लोगों का काम था वो भिक्षुक थे एक तरीके का, वो भिक्षा करना उसका काम था, तो इसीलिए उनको सब जगह जाना अलाउड थे. तो किसी जगह पे वो क्षत्रिय का अगर अटायर करके अगर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो उसको रोका जाएगा उन लोगों की तरफ से, मगधा का जो लोग है उन लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाएगा, तो इसीलिए वो ब्राह्मीन का अटायर किया. द सिटीजन्स ऑफ सिटी बिकेम सरप्राइज ऑन सीइंग हिम. तो वो मगधा का जो सिटीजन्स है वो उन लोगों को, ये नया लोगों को देख के बहुत सरप्राइज हुआ. दे वेंट टू द प्रेजेंस ऑफ जरासंध विथ एन एयर ऑफ ईगोटिज्म, विथ ईगो, एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड में वो जरासंध को मीट करने के लिए गया. जरासंध रिसीव्ड देम कॉर्डियली एंड आस्क्ड अबाउट देयर इम्प्रॉपर बिहेवियर सच एज ब्रेकिंग द पीक ऑफ अ हिलॉक, एंटरिंग द सिटी थ्रू एन इम्प्रॉपर गेट एट्सेट्रा. तो जरासंध उनको कॉर्डियली रिसीव किया और उनका कुछ इम्प्रॉपर बिहेवियर उनको लगा, तो इस तो उसका जो इम्प्रॉपर बिहेवियर उनको लगा तो उस विषय में उनको क्वेश्चन किया कि
क्या क्या इम्प्रॉपर बिहेवियर थे उन लोगों का, वो सिटी में एंटर करने के समय एक एक हिलॉक, पीक ऑफ हिलॉक मतलब एक पहाड़ का एक टीला का एक पीक है, पीक थे तो उनको ब्रेक करके वो सिटी में एंटर किया। और ये और जो इम्प्रॉपर गेट से वो एंटर किया, हो सकता है वहाँ पे एक बड़ा गेट था और एक छोटा गेट था, तो वो बड़ा गेट से सीधे से एंटर ना करके वो इम्प्रॉपर मतलब जो जिस गेट से कोई अंदर नहीं जाता है वो इम्प्रॉपर एक गेट से अंदर घुसा। तो इस वजह से ये क्यों ये इम्प्रॉपर बिहेवियर किया, इसकी इसके बारे में जरासंधा ने उन लोगों को पूछा। कृष्ण सेड दैट क्षत्रियज डू नॉट एंटर एनी वेयर थ्रू बैक डोर एंड ऑलवेज एंटर थ्रू फ्रंट डोर। कृष्ण कहा कि क्षत्रिय, कृष्ण क्या आंसर किया कि क्षत्रिय कभी भी बैक डोर से एंटर नहीं करता है, वो ऑलवेज फ्रंट डोर से ही एंटर करता है। दे कुड नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ ऑनर फ्रॉम देयर एनिमी एंड दे केम हियर फॉर फॉर सम पर्पस। तो वो और भी क्या कहते हैं कि वो उन लोगों का एनिमी की तरफ से, उन लोगों का शत्रु की तरफ से कोई भी ऑनर रिसीव नहीं कर सकता है, कोई भी ऑनर वो उन लोगों का एनिमी की तरफ से नहीं रिसीव कर सकते, और वो यहाँ पे क्यों आए हैं उसके पीछे एक पर्पस भी है। ऑल ऑफ दे वेर ट्राइंग टू प्रोवोक जरासंधा टू ऑप्ट फॉर अ बैटल। ऐसे इम्प्रॉपर बिहेवियर करके वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे, जरासंधा को बैटल के लिए उकसाने के लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है, ताकि वो गुस्सा हो जाए और उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए उन लोगों को इनवाइट करे, इसीलिए ही जरासंध को प्रोवोक कर रहे थे ये सब करके। सरप्राइज्ड एट द वर्ड्स ऑफ कृष्णा जरासंध सेड दे माइट हैव मिस्टेकनली थॉट देयर एनिमी। तो कृष्णा का जो बात है उन पे बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया जरासंध, और उन लोगों को कहा कि हो सकता है वो मिस्टेकनली उनको उन लोगों का एनिमी समझ रहे हैं, वो उन लोगों का मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। जरासंध उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, हो सकता है तुम मिस्टेकनली मुझे एनिमी समझ रहे हो। कृष्णा रिप्लाइड बीइंग द फॉलोअर्स ऑफ धर्मराज दे केम टू पनिश हिम ऑन हिज ऑर्डर। कृष्णा उसके बाद क्या रिप्लाई करते हैं कि वो कोई ब्राह्मण नहीं है, उनका जो असली परिचय है वो उनको दिया कि वो कोई ब्राह्मण नहीं है, वो धर्मराज युधिष्ठिर का फॉलोअर्स है और उनकी वो धर्मराज के ऑर्डर में ही उनको पनिश करने के लिए, जरासंध को पनिश करने के लिए मगध में आए हैं। ही रिवील्ड दैट दे वर नॉट ब्राह्मण्स। वो रिवील कर देते हैं कि वो कोई ब्राह्मण्स नहीं है। हिज टू कंपनीज वर भीमा एंड अर्जुना टू सन्स ऑफ किंग पांडु एंड ही वॉज हिज एनिमी कृष्णा एंड देन ही इन्वाइटेड जरासंध फॉर कॉम्बैट। तो उसके बाद वो तीनों का परिचय, उन तीनों का परिचय देते हैं एक एक करके कि उनका जो दो कंपनीज हैं उनके साथ जो दो आदमी हैं वो और कोई नहीं है, भीमा और अर्जुना है जो पांडु का, किंग पांडु का दो बेटे हैं, और वो खुद है उसका एनिमी कृष्णा। अगर आपने महाभारत का इंट्रोडक्शन वीडियो और कैरेक्टराइजेशन का वीडियो देखा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्यों कृष्णा जरासंध का एनिमी है। तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना कि कृष्ण कहते हैं कि वो खुद उनका एनिमी कृष्णा है एंड देन ही इनवाइटेड जरासंध फॉर अ कॉम्बैट, मतलब वो तीनों ही उनका एनिमी है तो इसीलिए तुम हमारे साथ युद्ध में शामिल हो। तो ऐसे करके जरासंध को उकसा रहे हैं। जरासंध बिकेम रेडी टू फाइट विथ देम। जरासंध रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। द एक्साइटेड भीमा केम फॉरवर्ड टू फाइट विथ हिम। भीमा वॉज वेरी एक्साइटेड, भीम बहुत एक्साइटेड थे और वो तभी जरासंध के फॉरवर्ड केम फॉरवर्ड टू फाइट विथ हिम, वो अकेले ही आ गया जरासंध के साथ लड़ने के लिए। श्री कृष्ण एनकरेज भीमा टू किल जरासंध। श्री कृष्ण एनकरेज करते हैं भीमा को जरासंध को मारने के लिए। देन भीमा कॉट होल्ड ऑफ जरासंधस लेग्स एंड पार्टेड हिम इनटू द
टू हाफ्स, तो वो जरासंध जैसे जन्म लिए थे वो दोनों हाफ्स में जन्म लिए थे, और जरा राक्षसी ने उनको एक साथ जुड़वा के एक लिविंग ह्यूमन चाइल्ड बना दिए थे, तो उस तरीके से ही उनका विनाश हो सकता था, ये एक ही उपाय था उनको मारने का। तो वो कृष्ण उनको ऑलरेडी बता चुके थे भीमा को, तो इसीलिए भीम वही रास्ता फॉलो किया और वो जरासंध का जो दो लेग्स है, दो पैर है, वो दोनों हाथ में लेकर पूरा पार्ट कर दिया उनका, टू हाफ्स में दोनों दो दो टुकड़े कर दिया उनका पूरा बॉडी को। हैविंग डिस्पोज्ड ऑफ हिज डेड बॉडी दे वेंट टू द प्रिजन एंड रिलीज्ड द इम्प्रिजन्ड किंग्स। तो जरासंध का जो डेड बॉडी है वो डिस्पोज करने के बाद वो उनका जो प्रिजन है वहाँ पे जाके जरासंध का प्रिजन में जो जो किंग है, किंग को वहाँ वो इम्प्रिजन किए थे, वो उनको रिलीज़ कर दिया, इम्प्रिजन रिलीज़ करके उन लोगों के साथ ले गया इंद्रप्रस्थ में। ओके, भीमा एंड अर्जुना अलॉन्ग विद द अदर इम्प्रिजेंट किंग्स केम बैक टू देयर सिटी सेफली। तो वो भीम और अर्जुन ने क्या किया, वो प्रिजन से छोड़ देने के बाद उन लोगों को उनके साथ उनका जो सिटी है मतलब इंद्रप्रस्थ में लेके गया। विद युधिष्ठिरा बिकेम वेरी हैप्पी एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट द राजासुआ सैक्रीफाइस। युधिष्ठिरा बहुत खुश हुआ कि वो लोग उनका मिशन जो है कंप्लीट करके वापस आए हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि अभी वो राजासुआ सैक्रीफाइस करेंगे। कृष्णा वेंट बैक टू द्वारका, उसके बाद कृष्णा द्वारका में वापस चले गए। तो सेक्शन नंबर फाइव इज दिग्विजय पर्व। दिस चैप्टर कंटेन्स 8 चैप्टर्स एंड 389 वर्सेस। तो ये जो चैप्टर है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट चैप्टर है, यहाँ पे 8 चैप्टर्स है और 389 वर्सेस है। अर्जुना वांटेड टू डिफीट ऑल द किंग्स एंड कलेक्ट टैक्सेस टू इंक्रीज देयर वेल्थ। अर्जुना क्या करते हैं, अर्जुना इच्छा प्रकाश करते हैं कि उनके अंडर जो राज्य है उनका उन लोगों को डिफीट करके उन लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए वो इच्छा प्रकाश करते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो वेल्थ है उनको बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा इसीलिए। सो ही रिक्वेस्टेड फॉर हिज ब्रदर युधिष्ठिरास परमिशन टू सेट आउट फॉर अ मार्च टूवर्ड्स द नॉर्थ, द क्वार्टर रूल्ड बाई कुबेर। सो इसलिए वो क्या करते हैं, उनका जो ब्रदर युधिष्ठिरा है, धर्मराज युधिष्ठिरा का परमिशन मांगते हैं और वो निकल जाते हैं टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ में निकल जाते हैं, द क्वार्टर रूल्ड बाय कुबेर। कुबेर ये जो नॉर्थ का जो क्वार्टर है वो कुबेर से रूल्ड होता था, कुबेर राज से रूल्ड होता था, तो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए निकल जाने के लिए युधिष्ठिरा से परमिशन मांगा। तो उसके बाद क्या हुआ, सेज व्यास सेड दैट अर्जुना शुड गो टूवर्ड्स द नॉर्थ, भीमा टूवर्ड्स द ईस्ट, सहदेव टू द साउथ एंड नकुला टूवर्ड्स द वेस्ट ऑन विक्ट्री मार्च। तो सेज व्यासा ने क्या कहा, व्यास मुनि ने क्या कहा कि अर्जुना को नॉर्थ में ही जाना चाहिए, भीमा को ईस्ट में जाना चाहिए, सहदेवा को साउथ में, और नकुला को वेस्ट में जाना होगा, विक्ट्री मार्च मतलब विजय के लिए, मतलब किंग को डिफीट करके उनका जो वेल्थ है वो टैक्सेस है उनको लाने के लिए। द फोर सन्स ऑफ कुंती वेंट ऑन द फोर डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ एंड रिटर्न्ड विद ग्रेट वेल्थ, प्रेजेंटेड ऑल दैट टू धर्मराजा। तो उसके बाद कुंती का जो चार संतान है, फोर सन्स है, वो अर्थ के दुनिया का चार डायरेक्शंस में निकल जाते हैं और उसके बाद वो सही से वापस आ जाते हैं विद ग्रेट हेल्थ, वो बहुत सारे वेल्थ के साथ, बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट करके वो वापस लौटते हैं उनकी जो सिटी है वहाँ पे, मतलब इंद्रप्रस्थ में। प्रेजेंटेड ऑल दैट टू धर्मराजा, वो जो वेल्थ वो लाते हैं वो सब वो धर्मराज युधिष्ठिरा को प्रेजेंट कर देते हैं, वो दे देते हैं, हैंड ओवर करते हैं। राजासुआ पर्व। ओके, देयर आर थ्री चैप्टर्स एंड 104 वर्सेस इन दिस सेक्शन। तो ये भी चैप्टर बहुत छोटा है, तो यहाँ पे थ्री चैप्टर्स है और 104 वर्सेस है। तो किंग युधिष्ठिरा वॉज रूलिंग
ruling the earth in a righteous way along with his brothers. During his reign there was never any word of calamity. So king Yudhishthira बहुत अच्छे तरीके से अर्थ को रूल कर रहे थे, बहुत righteous way, मतलब बहुत सही तरीके से रूल कर रहे थे. अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, उसके भाई को साथ में लेकर, पांडव, बाकी जो पांडव है उनको साथ में लेकर. ड्यूरिंग हिज रेन देयर वॉज नेवर एनी वर्ड ऑफ एनी कैलमिटी. कैलमिटी मतलब एनी बैड न्यूज़. उनके जो उनका जो समय है युधिष्ठिर के समय में, युधिष्ठिर जब राजा थे तब उसके समय कोई भी बैड न्यूज़ नहीं नज़र में नहीं आ रहा था. कोई बैड न्यूज़ कहीं पर भी कोई बैड न्यूज़ नज़र में नहीं आ रहा था. इतना ही अच्छे से वो रूल कर रहे थे. ओके, एज ही हैज़ द सफिशियंट वेल्थ ही वांटेड टू परफॉर्म राजस्व सैक्रिफाइस. उनके पास जैसे कि बहुत सारे वेल्थ है, अभी सफिशियंट वेल्थ है, तो इसीलिए वो राजस्व सैक्रिफाइस करने के लिए डिसाइड किया. कृष्णा अराइव्ड देयर विथ डिफरेंट वैल्यूएबल गिफ्ट्स एंड जेम्स एट्सेट्रा लीडिंग अ लार्ज आर्मी. किंग कृष्णा वहाँ पे अराइव करते हैं, वहाँ पे जाते हैं विथ डिफरेंट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट्स और जेम्स लेकर कृष्णा वहाँ पे जाते हैं, इंद्रप्रस्थ में जाते हैं, और उनके साथ एक लार्ज आर्मी भी जाते हैं. युधिष्ठिर सॉट द परमिशन ऑफ श्री कृष्ण टू परफॉर्म द राजस्व सैक्रिफाइस अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर्स. सो युधिष्ठिर तब क्या करते हैं, श्री कृष्ण से परमिशन मांगते हैं राजस्व करने के लिए, और अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर्स, उनके भाई के साथ राजस्व करने के लिए परमिशन मांगते हैं. दास परमिटेड बाय कृष्णा धर्मराज विथ हिज ब्रदर्स द रिक्वायर्ड मटेरियल्स फॉर द सैक्रिफाइस. अच्छा, कृष्ण का परमिशन लेने के बाद धर्मराजा कृष्ण उनको परमिशन देते हैं, और उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर और उनका जो भाई है वो लोग ये राजस्व सैक्रिफाइस के लिए जो जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स है वो कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट करना शुरू करते हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सुपरवाइजिंग द अरेंजमेंट्स हैड बीन इंट्रस्टेड टू सहदेवा एंड द अदर मिनिस्टर्स. जो जो अरेंजमेंट होता है वो सब कुछ सुपरवाइज करने के लिए सहदेवा को डायरेक्शन दिया जाता है, और सहदेवा के साथ साथ बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों को भी ये सब सुपरवाइज करने के लिए डायरेक्शन दिया जाता है. लेटर व्यासा ब्रॉट मेनी प्रीस्ट्स. तो व्यासा ने क्या करते हैं, बहुत सारे प्रीस्ट्स को वहाँ पे लाते हैं. व्यासा हिमसेल्फ एक्टेड एज द ऑनरेबल हेड प्रीस्ट फॉर द सैक्रिफाइस. व्यासा खुद ऑनरेबल हेड प्रीस्ट का रोल करते हैं राजस्व सैक्रिफाइस के लिए. वो हेड प्रीस्ट होते हैं, वो प्रीस्ट में प्रधान होते हैं. आफ्टर व्यासा द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट वॉज याज्ञवल्क्य. तो याज्ञवल्क्य ने ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट एक पोस्ट ही होते हैं, पोस्ट का नाम होता है, जो हेड प्रीस्ट के बाद आते थे. ठीक है, तो ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट का रोल करते हैं याज्ञवल्क्य. एट द कमांड ऑफ युधिष्ठिरा सहदेवा सेंट इन्विटेशंस टू ऑल द किंगडम्स. लेटर युधिष्ठिरा सेंट नकुला टू हस्तिनापुरा टू इनवाइट भीष्म द्रोणा दुर्योधना एंड अदर ब्रदर्स. ओके, सो युधिष्ठिरा का ऑर्डर के वजह से सहदेवा इन्विटेशन भेजते हैं बाकी सारा किंगडम्स को, किंगडम्स के राजा को. लेटर युधिष्ठिरा सेंट नकुला, युधिष्ठिरा बाद में नकुला को सेंड करते हैं, नकुला को भेजते हैं हस्तिनापुर में. भीष्म द्रोणा दुर्योधना और अदर जो कौरव ब्रदर्स हैं उन लोगों को इनवाइट करने के लिए नकुला को भेजते हैं हस्तिनापुर में. धर्मराज असाइंड एवरीबॉडी टू द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. धर्मराज ने सभी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको डिवाइड कर दिया, अलग अलग काम में डिवाइड कर दिया. श्री कृष्ण हिमसेल्फ वॉश्ड द फीट ऑफ ब्राह्मणस. अश्वत्थामा वॉज असाइंड टू ऑनर द ब्राह्मिन्स. श्री कृष्ण खुद ब्राह्मण का जो पैर है, ब्राह्मणस का जो पैर है, फिट है, वो वॉश किया, और अश्वत्थामा को असाइन किया गया ब्राह्मिन्स को, ब्राह्मीण लोगों को ऑनर करने के लिए. एट दैट टाइम द प्लेस शोन लाइक अ
heaven, and everybody were pleased and felt very happy during this sacrifice. वो उस समय में ये जो वो जो place है, इंद्रप्रस्थ का जो palace है, वो जो place है वो एक heaven की तरह दिख रहा था. इतना सुंदर दिख रहा था कि heaven की तरह लग रहा था. और everybody was pleased, felt happy during the sacrifice. Sacrifice होने के समय सब लोग बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही उत्सव का जो माहौल है वो नज़र हुआ. ठीक है, तो यही होता है. ये तीनों पर्व ही उपपर्व ही यहाँ पे इस वीडियो में हम कंप्लीट किए. तो बाकी का जो उपपर्वस है, सेक्शंस है, उनके लिए अलग वीडियो बना देंगे. तो जल्दी ही अगला वीडियो लेकर वापस आऊँगी. मेरे वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. थैंक यू.